कि जब हम इंट्यूशन के ऊपर डिपेंड करेंगे तो उस वक्त हमें किन किन बातों का ख्याल रखना है यू हैव टू बी केयरफुल इंट्यूशन इज एज इंपॉर्टेंट एज योर रैशनैलिटी सो वेन वी से ट्रस्ट योर गट रिमेंबर दैट इमोशंस एंड फीलिंग्स माइट नॉट ओनली बी इंपॉर्टेंट इन आर एबिलिटी टू मेक गुड डिसीजंस बट मे एक्चुअली बी असेंशियल और उस इंट्यूशन के बगैर हमारा डिसीजन मेकिंग इनकंप्लीट वो रहेगा बिकॉज इंट्यूशन हमारे कंट्रोल में नहीं होती इंट्यूशन हमारे लॉजिक एंड रीजन को सपोर्ट नहीं करती लेकिन इसके बावजूद इंट्यूशन की इंपॉर्टेंस इज सो रिमेंबर डिसीजन मेकिंग में जब अनसर्टेनिटी ज्यादा होगी तो उस वक्त यू हैव टू रिलाई मोर ऑन द इंट्यूशन एंड लेस ऑन द लॉजिक और जब अनसर्टेनिटी कम होगी तो यू मे यूज योर लॉजिक एंड रीजन मोर देन योर इंट्यूशनल इंट्यूशन पर

कॉन्शियस होकर चलेंगे जितना हम माइंडफुल होकर चलेंगे जितना हम एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग करेंगे उतना हमारे लिए बेहतर होगा एंड एट द सेम टाइम इस सारे एविडेंस के अंदर हमें अपने इंट्यूशनल परस्पेक्टिव को भी मद्देनजर रखना है देयर फॉर रिमेंबर दैट टू डिस्क्राइब दैट वेग फीलिंग्स ऑफ नोइंग समथिंग जिसको हम इंट्यूशन का नाम दे सकते हैं बिकॉज इंट्यूशन के बारे में हमारे पास रीजन और लॉजिक नहीं होगी विदाउट नोइंग एग्जैक्टली हाउ और वाई दे यूज Words like professional judgment, intuition, gut instinct, inner voice, or hunch. But they couldn't describe the process much beyond that. सिर्फ एक इल्हाम का नाम दे सकते हैं नहीं है। लेकिन वो इल्हाम हमारे पास से आया? इसके कोई हमारे पास कंक्रीट शवाहद मौजूद वो नहीं है so वो जो भी सोर्स ऑफ वैल्यूज हमारी है जो भी हमारे कोग्नेटिव प्रस्पेक्टिव है जो भी हमारे सिचुएशनल प्रस्पेक्टिव है वो सब मिलजुल हमारे उस गट फीलिंग को हमारी उस को, को, उस इंट्यूशन को, 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 वॉइस हंच वो ट्रिगर कर रहे होंगे एंड वी हैव टू बी केयरफुल पीछे भी कोई ना कोई चीज कार फरमा जरूर होगी सो रिमेंबर डिसीजन मेकिंग के दौरान द इंट्यूशनल रैशनल अप्रोच पर्टिकुलरली जब आप चीजों को एवेल्यूएट करते हो इन टर्म्स इन अ वे कि आपके पास उनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वो नहीं है हमें चीज़ों के एनालिसिस से हमें चीज़ों के सिंथेसिस से बहुत कुछ तो पता चलता है लेकिन शायद सब कुछ पता नहीं चल पाता देयर फॉर वी हैव टू रिलाई ऑन आर इंट्यूशन एंड द गट फीलिंग डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि डिसीजन मेकिंग के दौरान जहां हमें रिस्क का सामना करना पड़ता है वहां पर अक्सर औकात अनसर्टेन सिचुएशंस भी होती हैं और अगर आपके इर्द गिर्द अनसर्टेनिटी बढ़ जाए तो उस वक्त आपको अपने गट फीलिंग के ऊपर ज्यादा रिलाई वो करना पड़ेगा लेकिन अगर सर्टेन इन्वायरमेंट हो रिस्क कैलकुलेटेड हो चीजें फोरसीन हो कैलकुलेटेड फोरकास्टिंग आपके पास मौजूद हो तो उस सूरत में हम रैशनैलिटी के ऊपर रिलाई रेलेटिवली ज्यादा वो कर सकते हैं लेकिन आइदर केस रिमेंबर वन थिंग यू जस्ट कैन नॉट इग्नोर द इंपॉर्टेंस ऑफ इंट्यूशन थैंक यू